गाइज, आप लोगों को पता है मैंने फर्स्ट टाइम सुना 60,000 के हेडफोन से गाना। मतलब यार 60,000 का हेडफोन है ये, सही है यार, साउंड भी ठीक था। और उसके बाद गया मैं एप्पल टीवी चलाने, लेकिन एप्पल टीवी ऑफ कर रखा था इन लोगों ने। बहुत कोशिश करी, बहुत बटन दबाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन एप्पल टीवी सही लग रहा था मेरे को, तो यार कोशिश करूँ चले चले, चला ही नहीं। फिर ये थी वॉल, इस वॉल पे बर्ड्स होते हैं ना, एयरबर्ड्स, इसके डमी लगा रखे थे। बहुत खींचने की कोशिश करी लेकिन चिपका रखे थे मजबूत तरीके से। उसके बाद आता है भाई सेक्सी अल्ट्रा वॉच, देख रहे हो यार। मतलब ये छूने में जितनी सेक्सी लग रही थी ना, दिखने में भी उतनी सेक्सी है। मतलब ओरिजिनल ओरिजिनल होती है यार, मार्केट में कितनी भी कॉपी आ जाए, लेकिन बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा ये। मतलब ये वॉच मेरी फेवरेट वॉच है सभी वॉचों में से, अल्ट्रा मस्त वॉच है यार। इसकी डिस्प्ले, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप सब मजे में होंगे। तो थैंक यू सो मच यार, इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा लाइक देने के लिए। और हमारे 2000 सब्सक्राइबर फैमिली जो यूट्यूब की बहुत जल्द कंप्लीट होने वाली है, तो अभी जा रहा हूँ मैं एप्पल स्टोर दिल्ली के एप्पल स्टोर, जो कि 20 अप्रैल को ही ओपन हो गया था। लेकिन मैं बहुत लेट जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि मेरे दोस्त को चाहिए मैकबुक, तो वहाँ पर मैकबुक का प्राइस पता करना है, क्या क्या प्राइस चल रहा है, क्या नहीं। अगर उससे उसके बजट में होगा, जो भी अगर फाइनेंस करवाएंगे उसके बजट में होगा तो ले लूँगे। तो अभी हम जा रहे हैं एप्पल स्टोर। एप्पल स्टोर आपको पता है इंडिया में खुल चुका है, और दो जगह खुला है। पहला है जो मुंबई में, और दूसरा है वो दिल्ली में। दिल्ली में खुला था, 20 अप्रैल को उद्घाटन हो गया था। और मैं इतना लेट जा रहा हूँ क्योंकि अब कोई वजह तो होनी चाहिए ना जाने की। वैसे भी मैं सोच रहा था घूमने चला जाऊँ, फिर मैंने सोचा कोई नहीं, रुक के जाते हैं, शोर बहुत आ रहा है यहाँ, तो मैंने कहा रुक के जाते हैं, कोई बात। तो अभी मैं हूँ अजय के घर पर, वो खाना खा रहा है, अभी वो खाना खा लेगा, फिर निकलेंगे एप्पल स्टोर। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आएगा और सब चीज़ पता लग जाएगी आपको कि वहाँ मतलब क्या क्या मिल रहा है, क्या करूँ, तो वहीं जाके पता लगेगा। तो खाना खा रहा है, फिर निकलते हैं। सो फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग को इतने लोगों ने ज्वाइन किया है। ये अजय की भाभी हैं, भैया हैं, और ये भी नहीं, आप लोग जानते ही हो। हेलो करते हैं, हेलो 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 है? दिल्ली मेट्रो, और दिल्ली मेट्रो में देखो सफाई का कितना ध्यान रखा जा रहा है। ये बोर्ड को डस्टबिन बना दिया इन्होंने, सही है यार। चलो दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत। बी एस एल एक्स सिटी मॉल कितना? 5 सवारी है। 3 सवारी? अच्छा, इसमें 3 जाएगी ना, 3,000 रुपये उनकी अपेक्षा होता है वाले। आगे बैठ सकते हैं, यही तो बात कह रहा था मैं। बात कह रहा हूँ ना, आ रहे हो यार, नीचे कह रहे हैं बात बात क्या चाहिए भाई यार, अजीत तो राय झपड़ा रहा है, इसमें नहीं पड़ रहा बात है। अब फिर भी तेरे रहेगा यहाँ के बाद आगे में बैठो ना, आगे ये कितना स्ट्रेंग, कितना स्ट्रेंग, हम कितना चार का पल्लो बना रहे गंदे बोल रहा हूँ, कितना स्ट्रेंग है टाइट में चल रहा है, कितना स्ट्रेंग चल रहा है। अब ये कुछ लेके भी आया ना वहाँ पे, इतनी तो क्यों करूँगा। फाइनली पहुँच चुके हैं एप्पल स्टोर साकेत, बड़ा दूर है यार। भाई बहुत भीड़ है यार, मॉल सच में यार बहुत अच्छा मॉल है यार, मॉल बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा भी है। सिलेक्ट सिटी मॉल, सिलेक्ट सिटी मॉल अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गाइस, मॉल में घूमते घूमते फाइनली दिख चुका है हमें एप्पल स्टोर। देख रहा हूँ वाइट से एप्पल लोगो। अब दिखाता हूँ, ये रहा एप्पल स्टोर, एक मिनट वाइड एंगल में दिखाता हूँ यार। ये देख लो गाइस, एप्पल स्टोर है ये पूरा, और ये बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा मुंबई की तरह होगा, जैसे मुंबई का पूरा कांच का बना रखा है ना, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था। 3-4 पिलर के बीच एक हॉल था, उसमें टेबल रखी हुई थी, और टेबल के ऊपर लैपटॉप आईफोन्स रखे हुए थे बस, उस सारी एसेसरीज। कुछ मज़ा नहीं आया मतलब यार। और मुंबई का जो मुंबई का है ना, इससे अच्छा लाख गुना है मतलब यार एप्पल स्टोर, ये गलत बात है यार।
बाहर खड़े होके तो बुराई कर ली, अब थोड़ी अंदर चल के बुराई मतलब बताते हैं यार। तो स्टोर में घुसते ही सबसे पहले देखा मैंने पीसी, एप्पल का पीसी, मतलब सही था, पतला सा पीसी था, पतला सा मॉनिटर था मतलब, और पतला सा माउस, पतला सा कीबोर्ड। और एक चीज़ और यार, यहाँ पे वीडियोस बनाना अलाउ नहीं है, बस कोई मुझे टोक ना दे यार। हमारे मतलब आपको बात सिखा था, यहाँ पर वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन मैं बनाऊंगा ज़रूर सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता चले एप्पल स्टोर में प्रोडक्ट क्या क्या मिल रहा है, किस किस प्राइस में क्या क्या एसेसरीज मिल रही है। तो चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाना गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है। ये 14 प्रो मैक्स और एक हेयर पे सैमसंग का आपने से ये तो भैया के पास भैया के पास ना मिल के पास। बस एक इस चीज़ से मेरा दिल दुखा है ना यार, इंटीरियर पे इन्होंने क्या मतलब कुछ खर्चा कर देते, मतलब इससे लाख गुना अच्छा तो मुंबई का है। ये देख रहे हो सामने बैक कवर की वॉल लगा दी है, क्या है यार। सेकंड जनरेशन लॉन्च हो गया इसका, सेकंड जनरेशन गाइज आप लोगों को पता है मैंने फर्स्ट टाइम सुना 60,000 के हेडफोन से गाना, मतलब यार 60,000 का हेडफोन है ये, सही है यार, साउंड भी ठीक था। और उसके बाद गया मैं एप्पल टीवी चलाने, लेकिन एप्पल टीवी ऑफ कर रखा था इन लोगों ने, बहुत कोशिश करी, बहुत बटन दबाए लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन एप्पल टीवी सही लग रहा था मेरे को, तो यार कोशिश करूँ चले चले चला ही नहीं। फिर ये थी वॉल, इस वॉल पे बर्ड्स होते हैं ना एयरबर्ड्स, इसके डमी लगा रखे थे, बहुत खींचने की कोशिश करी लेकिन चिपका रखे थे मजबूत तरीके से। उसके बाद आता है भाई सेक्सी अल्ट्रा वॉच, देख रहे हो यार, मतलब ये छूने में जितनी सेक्सी लग रही थी ना, दिखने में भी उतनी सेक्सी है, मतलब ओरिजिनल ओरिजिनल होती है यार, मार्केट में कितनी भी कॉपी आ जाए लेकिन बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा ये, मतलब ये वॉच मेरी फेवरेट वॉच है सभी वॉचों में से, अल्ट्रा मस्त वॉच है यार। इसकी डिस्प्ले टू गुड, इसको थोड़ा घुमाऊँ घुमाऊँ देख रहे हो ब्राइटनेस कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, मतलब यार टच भी इसका इतना स्मूथ टच था ना यार। फिर मैं गया अपना कैमरा चेक करने 14 प्रो मैक्स से, लेकिन 14 प्रो मैक्स का कैमरा यार, 14 प्रो मैक्स का कैमरा तोड़ है। और एक चीज़ और बतानी है, यहाँ के जो एप्पल के एम्प्लॉयज़ है ना, जो ग्रीन टी शर्ट में आपको दिख रहे हैं ये लोग ना, जो एक मिनट, ये जो ग्रीन टी शर्ट में दिख रहे हैं ना एप्पल के एम्प्लॉयज़, इनको यार 15 लैंग्वेज आती है गाइस, सीरियसली 15 लैंग्वेज। उसके बाद में गया आईफोन के बैक कवर, ये देख रहे हो, अब ये मैग्नेटिक, इसमें क्या है पता है, ये ना मैग्नेटिक है, मतलब बैक कवर के पीछे मैग्नेट लगा हुआ है, ये छोटा सा पाउच है, इसमें कुछ भी आप कार्ड, पैसा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब कुछ रख सकते हो, और बहुत कलर के वेरियंट है। तो इसी के साथ हम घूम घाम के वापस आ गए घर जाने को, मूड खराब हो गया, मतलब गाइस खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे वही वाला गाना सूट करता है, क्योंकि जो हम मैकबुक लेने गए थे वो वाला वेरिएंट मिला नहीं ना, वो कलर हमें मिला नहीं। और दूसरी बात, एप्पल स्टोर जैसा मुंबई का देखा है, दिल्ली का वैसा है नहीं, ताकत में कुछ नहीं है, मतलब हॉल है नॉर्मली, और हॉल के अंदर ही सब कुछ जो एसेसरीज सब रखी हुई है नॉर्मली, शीशा वीसा कुछ नहीं है, वरना मुंबई का आउटलेट एप्पल का ऑसम है यार, और दिल्ली का उतना खास है नहीं। और दूसरी बात, बात करो उसके प्राइस की, उसका प्राइस जो था इतना महंगा था ना, आप रिटेल में जाओगे ना तो भी आपको 10% या 20% डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा, है बात है कि सही है ना। सही बात, सही बात है, उन तीन ये गवाह है, तीनों तीनों गवाह है, मतलब महंगा है यार, आप रिटेल से ले लो, क्रोमा से ले लो, रिलायंस डिजिटल से ले लो, एप्पल का महंगा पड़ेगा, आप ऑनलाइन ले लो, लेकिन एप्पल स्टोर जाके पैसे ज़्यादा है तो आप दे दो, लेकिन एप्पल स्टोर से मैं तो कह रहा हूँ मत ही लो यार, आपको यही चीज़ बतानी थी। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू सून, बाय।